वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ एसपीपीएस इंग्लिश रिव्यू फॉर एट क्लास इंग्लिश ग्रामर। आई हैव टॉट यू ऑल द डेफिनेशंस ऑफ लेसन नंबर फर्स्ट दिस सेंटेंस। जो आपका वाक्य था उसकी मैंने सभी रचना लिखा दी है। नाउ दिस इज सम ऑफ द एक्सरसाइज व्हिच यू विल डू एज योर होमवर्क। नाउ आपको क्या करना है, पिक आउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंस। करता और प्रत्येक छापना है। तो आई हैव टॉट यू व्हाट इज सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज अ वर्ड और ए फ्रेज दैट से हू और व्हाट डज समथिंग, क्या करता और क्या कहता है। एंड प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच टेल अबाउट ए सब्जेक्ट, जो कर्ता के बारे में कुछ बताता हो, विधेय कहलाता है। सो आप इसमें प्रकार करना है, आपको लोगों के तरीके से आंसर डाल के इधर सब्जेक्ट एंड दिस टाइम प्रेडिकेट। तो कैट हो गया आपका इधर सब्जेक्ट एंड कैच इज डायरेक्ट प्रेडिकेट। सो आप लाइक लिखोगे द कैट विल बी सब्जेक्ट एंड कैच इज पकड़ते हैं चूहा, दी कैट इंडिविजुअल विल बी प्रेडिकेट लाइक दिस। इन सेकंड सेंटेंस द बॉय शूट एन एरो, तो द बॉय विल बी सब्जेक्ट, शूट एन एरो विल बी ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट, द अर्थ विल बी सब्जेक्ट एंड रिमूव फ्रॉम द अर्थ प्रेडिकेट, द माई मेटर टू वर्ड सब्जेक्ट विल बी सब्जेक्ट एंड रिटेन बाय टीचर प्रेडिकेट, द ओल्ड मैन थ्री वर्ड सब्जेक्ट एंड बार विद द स्टेट, एक लकड़ी सा चलता है। आफ्टर दैट सप्लाई द प्रेडिकेट टू द फॉलोइंग सब्जेक्ट, हमने कुछ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं आपको प्रेडिकेट बनाना है। जैसे किताब पूरा घूमें, एनी थिंग यू में राइट सेंटेंस, बार गोइंग टू हर होम अपने घर जा रही थी, माई फ्रेंड है स्टॉप द क्लास स्टॉप कर चुका है कक्षा में, दे टीचर्स आर टीचिंग इन द क्लास विथ डेडिकेशन, दे अर्थ यानी रिमोट फ्रॉम द सन इन द गार्डन, माई मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन। सो दिस इज ओनली योर होमवर्क विच यू विल कंप्लीट आई गॉट, बट दैट्स द प्रोसेस।